हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आपकी राइटिंग स्किल पर बेस्ड है। आपको माई पेट टॉपिक पर दो एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है और आपको गेस करना है कि वो एनिमल्स कौन से हैं। हु एम आई? आई एम अ पेट एनिमल। आई बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड आई कीप द हाउस सेफ। आई एम अ डॉग। मैं एक पेट एनिमल हूँ। मैं अजनबी लोग पर, स्ट्रेंजर्स पर भौंकता हूँ और मैं घर को सेफ रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? डॉग। हु एम आई? मैं कौन हूँ? आई एम अ पेट एनिमल। मैं एक पालतू एनिमल हूँ। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। और आई म्याऊ ऑल द डे। और पूरा दिन मैं म्याऊ म्याऊ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप किस एनिमल का नाम लिखेंगे? यहाँ आप कैट का नाम लिखेंगे। और डॉग और कैट की पिक्चर्स भी आपको इन बॉक्सेस में ड्रॉ करनी है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अबाउट योर पेट। आपको अपने पेट के बारे में लिखना है। एंड इफ यू डोंट हैव अ पेट, राइट अबाउट अ पेट यू वुड लाइक टू हैव। अगर पेट नहीं है आपके पास तो कुछ ऐसे पेट के बारे में लिखिए जिसे आप रखना चाहेंगे। तो उसको लिखने का आपको वे ऑफ राइटिंग बताया गया है कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, व्हाट काइंड ऑफ पेट डू यू हैव? तुम्हारे पास कैसा पेट है? तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, आई हैव अ कैट एज अ पेट या आई हैव अ डॉग एज अ पेट। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर पेट? आपको अपने पेट के बारे में क्या अच्छा लगता है? उसकी प्लेफुलनेस अच्छी लगती है जो वो खेलता है, या वो आपको उठाता है, बींग वोकन अप बाय इट, या प्लेइंग फेच विद इट, वो आपके साथ फेच गेम करता है, सामान लेके आता है आपके लिए उठाकर, एनी अदर गेम, या कोई और गेम खेलता है। आप अपने पेट का नाम भी लिख लेंगे। और वेयर डज योर पेट लिव? आपका पेट कहाँ रहता है वो भी लिख देंगे। ही लिव्स इन अ, इट लिव्स विद अस इन आवर हाउस में रहता है, या हमारे गार्डन में रहता है। ये भी आप उसको डिस्क्राइब करने की लाइन लिख सकते हैं। एंड व्हाट डज योर पेट लाइक टू ईट? और आपका पेट क्या खाना पसंद करता है? तो कोई भी फूड, माय पेट लाइक्स टू ईट, आप ब्रेड भी लिख सकते हैं और मीट भी लिख सकते हैं। इस तरह से किसी पेट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या वेज हो सकते हैं आपको सिखाया गया है। अब आपको फ्यू लाइंस लिखनी है पेट के बारे में, बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शंस को चूज करना है। आई एम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। आई हैव अ क्यूट। अब आप डॉग या कैट में से किसी भी पेट को चूज कर सकते हैं। मेरे पास एक क्यूट सा डॉग है। माय पेट्स नेम इज, यहाँ पे आप उसका नेम स्नोई भी लिख सकते हैं या कोई और नेम भी आप लिख सकते हैं। इट इज डैश इन कलर। उसका आप कोई भी कलर लिख सकते हैं, व्हाइट, ब्राउन, ग्रे, कोई भी कलर लिख सकते हैं। इट कैन डैश आउट लाउड। अब डॉग है तो बार्क आउट लाउड, वो तेजी से भौंकता है, तेज भौंकता है। अगर कैट होती तो आप म्याऊ ऑल डे लिख देते। इट लव्स टू जंप अप हाई, उसे उछलना पसंद है, या रन अराउंड द हाउस, या घर में दौड़ना पसंद है। इट लाइक्स टू प्ले ऑल द डे, पूरा दिन खेलता है, या स्लीप नेक्स्ट टू मी, और मेरे घर मेरे साथ सोता है। उसका फेवरेट फूड मीट, ब्रेड, मिल्क, या कोई भी आप फूड लिख सकते हैं। इट लाइक्स टू प्ले विद मी ऑल डे, पूरा दिन खेलता है, या इन द इवनिंग, कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। इट लिफ्ट्स माई मूड। लिफ्ट्स माई मूड का मतलब होता है मेरा मूड अच्छा कर देता है, जब मैं सैड होता हूँ, उदास होता हूँ, या एंग्री, या मैं नाराज होता हूँ। आई टेक इट फॉर अ वॉक, मैं उसे वॉक के लिए लेके जाता हूँ। एवरी डे मीन्स रोज, रोजाना, और समटाइम्स मीन्स कभी कभार। आई लव डैश वेरी मच, यहाँ पे अपने पेट का नाम लिख देंगे। आई लव स्नोई वेरी मच, या किसी भी और पेट का नाम लिख देंगे। इस तरह से माई पेट पर कुछ लाइन्स लिखना आपको इस वर्कशीट में सिखाया गया है, जो कि आपकी राइटिंग स्किल पर बेस्ड।